मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके इरादों में जान होती है, मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके इरादों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, ये है ग्वालियर क्रिएशन का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। शो का नाम खास लोग खास मुलाकात। मेरा नाम प्रताप और आज की मेहमान का नाम डॉक्टर वंदना भूपेंद्र, जो समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रही हैं। इनका कहना है, ये तो चिंगारी है, आग अभी बाकी है। ये तो चिंगारी है, आग अभी बाकी है। अभी तो नापी है जमी मैंने, आसमानों का सफर तो अभी बाकी है। तो चलिए दर्शक साथियों, आपकी मुलाकात डॉक्टर वंदना से कराएं। तो डॉक्टर वंदना मैडम, आपका स्वागत और अपना परिचय हमारे साथियों को दीजिए, यानी आपका जन्म स्थान, आपकी स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुई। जी नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर वंदना भूपेंद्र, प्रेमी अध्यक्ष जी, एनजीओ बेटी है तो गर्ल है जी। मेरा जन्म स्थान ग्वालियर का जेसी मेल हॉस्पिटल है, मेरा जन्म यही हुआ है, मेरी शादी भी ग्वालियर में हुई। अरे वाह, अरे वाह। और मेरी स्कूलिंग गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल रेलवे कॉलोनी में हुई है, 12th मैंने वहाँ से पास आउट किया है जी। मैं नेशनल प्लेयर रही हूँ, 5 बार मैंने नेशनल खेला है, एनसीसी सर्टिफिकेट है। कौन से गेम में? मेरा एथलेटिक्स क्रॉस एथलेटिक्स और कबड्डी खो खो, 4 गेम्स में, 4 में नेशनल है, यानी स्पोर्ट्समैन रहे आप जी। एनसीसी सर्टिफिकेट भी है मेरे पास जी। साथ ही मैंने एमएससी फिजिक्स से किया है और मेरा एमएड में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं। अरे वाह। बीएड कॉलेज में प्रिंसिपल हूँ, साथ ही जीवाजी यूनिवर्सिटी में पीएचडी गाइड भी हूँ जी 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 जी। और बस समाज सेवा का कार्य जारी है निरंतर। तो ये तो रही मैडम एजुकेशन से जुड़ी बातें जी। अब समाज सेवा के क्षेत्र में आप कैसे आए? समाज सेवा के क्षेत्र में मैं शादी के बाद, जब मेरी शादी हुई तो मैं प्रेग्नेंट हुई, तो आशीर्वाद के रूप में जब हम बड़े गुणों के पैर छूते हैं जी, जी, जी। तो आशीर्वाद मिलता है कि मोड़ा हो। अच्छा, गांव की भाषा में ऐसे कहते हैं। तो मन में विचार आता था, बड़े बूढ़े कह रहे हैं, सबको लगता है अच्छा, रखा, चलो कोई बात नहीं। अच्छा। लेकिन उसके बाद जब मेरी शादी हुई, उसके बाद मैं पीएचडी करने जब फील्ड में गई तो मैंने देखा कि मेरा ड्रॉप आउट बच्चों पे वर्क था पीएचडी में। अच्छा। मेरा पूरे ग्वालियर विकास खंड पे काम था, एक कंपेरेटिव स्टडी है मेरी तुलनात्मक अध्ययन। उसमें मैंने देखा कि बच्चियों की दशा आज भी बहुत खराब है, गांव में पेरेंट्स उनको घर छोड़ जाते थे कि तुम अच्छा। लड़कों को देखो, हम देख रहे हैं, या तुम पढ़ाई नहीं करो, भैया को जाने दो, तुम्हें तो पढ़ाई घर जाना है। अच्छा। फिर उसके बाद जब मैं प्रेग्नेंट फिर से हुई दूसरी बार, तो कॉलेज में और चारों तरफ का माहौल फिर से वही प्रेशर था कि एक बेटा और हो, तुम तो जॉब करती हो, लड़की का क्या करोगी, और आशीर्वाद के रूप में भी कि एक बेटा और हो जाए, जोड़ी बन जाए। तो मन में फिर विचार आया कि नहीं, कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा। दूसरा, उसी समय जब मैं पीएचडी कर रही थी तो कुछ आंकड़े ऐसे तथ्यात्मक मेरे सामने आए, स्टैटिस्टिकल डाटा कि पूरा ग्वालियर चंबल संभाग पूरे भारत में कन्या भ्रूण हत्या के मामले में नंबर वन है, काले धब्बे के सामने समान था। तो हम दोनों पति पत्नी ने मिलकर सोचा कि क्यों ना हमें इस क्षेत्र में कुछ कार्य किया जाए, गवर्नमेंट की हेल्प की जाए। तो हमने बस एक बीड़ा उठाया कि हमें भी कुछ समाज सेवा में कार्य करना। तो क्या रहा आपकी संस्था का नाम? इसी, चूंकि बेटियों के लिए कन्या भ्रूण हत्या के मामले में काला धब्बा था, तो हमने भी कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हमारा स्टार्ट हुआ 2008 में गुजरात से, उसकी ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित जी थी। तो हमने कहा कि हमें भी बेटियों को बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि आज भी सबके मन में जब बेटा होता है तो यही सोच होती है, बेटी ही होती है, तो काश बेटा हो जाए, काश बेटा। तो बस ये काश शब्द हटाने के लिए हमने बेटी है तो कले सामाजिक संस्था की नींव रखी। हम दो लोगों ने, बेटी है तो कले सामाजिक संस्था का नाम है, हम दो लोगों ने मिलकर इसको चलाया था और आज पूरे ग्वालियर हमारे साथ। उद्देश्य इसका यही है, उद्देश्य बिल्कुल लिंगानुपात को कम करना है, कन्या भ्रूण हत्या को कम करना है, और ये सोच जो बेटा बेटी में जो अंतर है, इस सोच को बदलना है। तो कब से स्थापना हुई मैडम? 2013 में हमने इसकी नींव डाली थी और 2016 में हमारा इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। अच्छा। तब से अनवरत हम लोग कार्य कर रहे हैं। अरे वाह। मतलब सिंगल डे हम लोग लीव नहीं लेते, कोई अच्छा। छुट्टी नहीं लेते। अच्छा। बिल्कुल अनवरत संस्था का कार्य जारी है। आज भी हम लोग संस्था को आगे बढ़ाने के लिए, बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं नियमित। अच्छा, कब इसकी क्या गतिविधियां रही जब से आपने इसको शुरू किया? हमने स्टार्ट किया तो हमने कहा लड़कियों को, जब कन्या बेटी जब पेट में आती है उसके बाद जब बिटिया का जन्म होता है ना, तो वही वाली बात कि काश बेटा हो जाता। अच्छा। तो वो खत्म करने के लिए हमने एक कैंपेन स्टार्ट किया, मुबारक हो बेटी हुई। अच्छा। इसके तहत हमने, उसके तहत हमने क्या किया, हर वार्ड वाइज अपने वॉलंटियर नियुक्त किए छात्र वार्ड में। अच्छा। और उनसे हम एक लिस्ट देते थे कि इस वार्ड में जितने भी घर में बेटियों का जन्म हुआ है आप उनको एक जगह एकत्रित कीजिए, हम उनको बच्चों को सम्मानित करेंगे, साथ ही उनके पेरेंट्स को सम्मानित करेंगे। पेरेंट्स के साथ हम पूरे परिवार की दादी वगैरह सबको बुलाते थे जी, जी। और उनको समझाते थे कि बेटी हुई है, दुखी नहीं होना है, हमें बेटियों का जन्म के बाद उन्हें
गाजे बाजे के साथ, जैसे बेटों का सम्मान करते हैं वैसे हमें बेटियों का सम्मान करना है। साथ ही अगर आपकी पहली बेटी है तो दूसरी बेटी के जन्म पे हमें जांच नहीं करानी है, जो भी बच्चा है हमें उसका स्वागत करना है। तो कुछ चीजों के हम उनको गाइडलाइन समझाते हैं और शपथ भी दिलाते हैं कि हम कन्या भ्रूण हत्या नहीं करेंगे। बस जीवन का उपदेश यही है, मैंने अपने जीवन में किसी भी बच्ची को भी भ्रूण में बचा लिया कन्या के रूप में, तो मेरा जीवन सफल उद्देश्य आपका पूर्ण होता है। अच्छा वंदना जी, इतने 2016 से आप कार्य कर रहे हो, आपको कई सारे सम्मान मिले हैं, हमने समाचार पत्र में पढ़ा है, तो उनके विषय में जरा बताइए इतने अच्छे कार्य के लिए। मैं बताना चाहती हूँ, मुझे अभी तक 485 सम्मान, 485 सम्मान, ये बहुत बहुत बधाइयां, धन्यवाद जी। और बहुत अच्छा लगता है कि अच्छे काम को लोग सराहते हैं, सराहते हैं बिल्कुल, अच्छा लगता है क्योंकि हमें और ऊर्जा मिलती है और आगे बढ़ने के लिए हमें प्रोत्साहन मिलता है। तो सर्वोच्च जो सम्मान है मुझे मध्य प्रदेश का राजमाता विजय राजे सिंधिया समाज सेवा सम्मान 2018 का मुझे मिला था, तो उसमें भी हमें बहुत अच्छा प्रशस्ति पत्र देकर हमारे कार्य की प्रशंसा की गई थी, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा कि हमारे कार्य को सराहा गया। साथ ही मुझे कलेक्ट्रेट के द्वारा और पुलिस विभाग के द्वारा कई जगह से बहुत बड़े बड़े सम्मान, कई एनजीओ के द्वारा, कई संस्थाएं, लॉयंस क्लब है, जेसीआई है, कुल मिला के पूरे ग्वालियर के द्वारा ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, मध्य प्रदेश के बाहर भी कई सम्मान मिल चुके हैं। उनकी लिस्ट 485 मैंने बताई है, कभी विस्तृत रूप से लिस्ट बना के लाऊंगी तो हम चर्चा करेंगे अगले वार्तालाप में, दर्शकों करेंगे आपके पुरस्कार। अच्छा ये बताएं वंदना जी कि भविष्य में आपकी क्या योजनाएं हैं? भविष्य में बस यही है कि जो बेटी और बेटे में जो भेद है, जो लिंगानुपात हो रहा है, उसको खत्म करना है। किसी को कोई समस्या हमें बताएं, हम उसका समाधान करेंगे, आपको उन चीजों से जुड़वाएंगे, उन लोगों से मिलवाएंगे कि जो उनका समाधान करें। कुल मिला के उद्देश्य यही है, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना है, लिंगानुपात को कम करना है, बेटियों को उचित मंच देना है सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए, और साथ ही हमारी बेटियों को बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। अच्छा डॉक्टर वंदना, समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को यही संदेश देना चाहूंगी कि हमारी बेटियां बेटों से बिल्कुल कम नहीं है, और उनके जन्म पे दुखी ना हो। अगर उनके जन्म पे उनकी शादी की चिंता कतई ना करें, चिंता करनी है तो उनकी शिक्षा की चिंता करें, उनके स्वास्थ्य की चिंता करें, उनकी सुरक्षा की चिंता करें। अगर हमारी बेटियां अपने पैरों पर खड़ी हो जाएंगी तो उनकी शादी तो अपने आप हो ही जाएगी। उन्हें योग्य बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना, बस आत्मनिर्भर बनाना मेरा उद्देश्य है मेरी बच्चियों को। बहुत अच्छी बात। अच्छा डॉक्टर वंदना, जो दर्शक साथी आपको देख रहे हैं और आपसे जुड़ना चाहें जी, तो कार्यालय का पता बताएं, अपना दूरभाष क्रमांक बताएं। मेरा मोबाइल नंबर है 9301129813 एक और नंबर है मेरा 9209200222944949 और YouTube पे मेरा एक चैनल चलता है डॉक्टर वंदना भूपेन प्रेमी के नाम से, आप उस पर भी मैसेज ड्रॉप करके मुझसे जुड़ सकते हैं। साथ ही स्टेट बैंक चौराहे पे मेरा कार्यालय है, स्टेट बैंक चौराहे जी, तानसेन नगर में, तो आप वहाँ पर भी आकर समय क्या रहता है वहाँ, आप मुझे कॉल करके, नंबर है ही आपके पास जी, तो क्योंकि मेरी वैसे तो बहुत ज्यादा रहती है फील्ड में रहते हैं, तो आप कभी भी कॉल करके तो मुझे कार्यालय प्रमुख वगैरह हाँ, वहाँ ऑफिस में है, तो वो आप मुझे कॉल करिए, मैं आपको टाइम दूंगी। जब किसी भी तरह की सहायता चाहिए, किसी भी तरह की सहायता चाहिए, आपको कोई भी सलाह चाहिए, मार्गदर्शन मार्गदर्शन के लिए हम लोग उपलब्ध रहते हैं, फोन पर भी आपको सलाह दे सकते हैं और जो समस्या है उस पर्टिकुलर व्यक्ति तक आपको पहुँचा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो साथियों ये थी डॉक्टर वंदना से मुलाकात, मुझे उम्मीद है ये बातचीत आपको पसंद आई होगी और आप सब भी अपने व्यक्तित्व को एक नया आयाम देंगे, समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करेंगे, डॉक्टर वंदना से जुड़ेंगे और भविष्य को साकार करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, अगले अंत में किसी नए मेहमान के साथ मिलेंगे, तब तक मैं आप सबकी तरफ से डॉक्टर वंदना जी को धन्यवाद बोलता हूँ।